तो एक अकीदा तो ये था कि अकीदा सही हो, अमल की ज़रूरत नहीं है। आज मुआशरा इसी फिक्र में मुबतला है, यानी कहते हैं अकीदे मौला अली रखो, अकीदे विलायत रखो, नमाज पढ़ो, अपना आज़ादारी करो, लेकिन तुम्हें अमल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाओ। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और किसी शख्स ने उस गाड़ी में कैसेट लगा ली और कोई चीज़ चल रही थी। हमें ऐसे महसूस हुआ कि ये म्यूज़िक है। हमने कहा यह आप बंद कर दें। उन्होंने कहा नहीं मौलाना, ये कसीदा है। सुनने में ऐसे लग रहा था कि ये कसीदा नहीं है, ये शख्स गाना पढ़ रहा है। आजकल वो आवाज़ें, वो आवाज़ें लहव लाइब, वो म्यूज़िक की आवाज़ें जो बनाई गानों के लिए गई थी, जो बनाई रक्स और गना के लिए गई थी, हम उन्हीं आवाज़ों को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए यूज़ कर रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरह करे गाने की धुनों पर, म्यूज़िक पर, मौसीकी पर अहले बैत का जिक्र करे, ये बदतर है उस गाने गाने वाली से। वो सिर्फ गाना गा रही है, ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर, लेकिन म्यूज़िक पर कर रहा है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि कोई इंसान एक मुकद्दस नाम को, ये तो ही न अहलुबैत है, ये तो ही न परवरदिगार आलम है, कि हम ऐसे फोहश गानों पर, उनके म्यूज़िक पर अहलुबैत का जिक्र करें और मजमा भी वाहवा करे और लोग उन कसीदों को, उन कैसेट को सुने भी। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक मुकद्दस नाम को आप किसी टॉयलेट के किनारे पर लिख दें, एक पाक हस्ती का नाम एक नजिस जगह पर आप लिख लें या उसके किनारे पर रख दें। ये बिल्कुल ऐसे है कि इंसान शराब की बोतल में खाक शफा मिला दे। एक तरफ तो खाक शफा को आपने उस गिलाजत में मिलाया, ये दुगना गुना है अगर कोई इंसान ऐसा करता है। ये बिल्कुल ऐसे है क्योंकि हम अमल से गाफिल हैं।